नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। एसजीएमएच संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इस संभाग की, या फिर ये कहा जाए कि रीवा जिले की रीढ़ है, और अनवरत यहां पर ये देखा गया कि पेशेंट्स की संख्या हमेशा बढ़ती रही। व्यवस्थाओं को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए, सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि जब बहुत ज्यादा लोड हॉस्पिटल पर बढ़ा तो कुछ व्यवस्थाएं बदली, या फिर ये कहा जाए कि कुछ ऊपर नीचे हुआ। अब क्या स्थितियां हैं और आगे क्या बड़े कोर्स ऑफ एक्शन है जो हॉस्पिटल प्रबंधन करने जा रहा है, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राहुल मिश्रा हैं, अधीक्षक हैं एसजीएमएच रीवा में। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सवाल कई बार खड़े हुए व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन ये भी देखा गया कि एसजीएमएच में लोड बहुत ज्यादा रहता है, ओपीडी में पेशेंट्स एडमिट करने वाले भी और तमाम क्रिटिकल केयर के भी पेशेंट यहाँ आते हैं। कैसे सारी चीजों को आगे मैनेज करेंगे, क्योंकि ये सवाल हमेशा रहा है सामने हॉस्पिटल प्रबंधन के। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमेशा से ओवरलोडेड ये हॉस्पिटल रहा है, और एक्चुअली में अब तो 3 हॉस्पिटल हैं हो गए हमारे परिसर में, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए। तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अलग है, संजय गांधी हॉस्पिटल अपना अलग है 800 बेड का, और जीएमएच गांधी मेमोरियल अलग है। तो गांधी मेमोरियल में हम मेन मैटर्निटी विंग और पीडियाट्रिक विंग और आई और ईएनटी देख रहे हैं, 4 विभाग हैं, और बाकी विभाग संजय गांधी में चल रहे हैं। और सुपर स्पेशलिटी में वहाँ के अलग विभाग हैं, वहाँ भी कई विभाग बढ़ने वाले हैं। और ओपीडी हमारी लगभग अभी इस समय तो 1500-2000 ऐसी ओपीडी हो रही है। तो सही बात है, हम ओवरलोडेड हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो एक टर्शरी रेफेयर सेंटर जैसे काम करना चाहिए थे मेडिकल कॉलेज को, वैसे ना होकर एक अभी जनरल ट्रीटिंग हॉस्पिटल ऐसा करके काम हो रहा है। और उसमें कुछ हमने मानव संसाधन बढ़ाए हैं, हॉस्पिटल मैनेजर्स आए हैं हमारे पास, और कुछ डॉक्टर्स आए हैं, अभी कुछ और डॉक्टर्स की भर्ती होनी है। और ये जो आपने सवाल किया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे, जो कि अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है, और जल्दी ही पूरी समीक्षा होकर और नए पद सृजित होंगे और नए पद आएंगे और नए डॉक्टर्स मिलेंगे, नए पीजी भी मिलने की उम्मीद है। तो ऐसा हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। अमूमन ये देखा गया है सर कि अगर बहुत लोड बढ़ जाए, जैसे अभी आपने कहा कि इस समय तो ओपीडी ठीक है 1500-2000-3000, कई बार ऐसा हुआ कि 4000-5000 की ओपीडी आती, पूरी व्यवस्था चरमराने लगती थी। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, और वहां पर देखा गया कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट लेवल पर भी बहुत सारे मिसिंग शुरू हो जाते हैं, मिसमैनेजमेंट शुरू हो जाता है। उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या प्लान है, क्योंकि ठीक है सुपर स्पेशलिटी आ गया, सतना मेडिकल कॉलेज हो गया, उनकी चीजें अलग होंगी, लेकिन जिले में ही जो रेफरल सेंटर बन गए हैं, छोटे छोटे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, उनको कैसे यहाँ तक रोका जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोग एसजीएमएच ही आते हैं। जी, अभी आपने देखा होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये बात संज्ञान में ली है, और उन्होंने जो पेरी फेरी में हमारी सीएचसीज हैं उनको और ज्यादा उसमें विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। जैसे एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ नहीं है तो कई बार कुछ इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं हो पाते, वो पेशेंट आ जाते हैं यहाँ। और इसी प्रकार से जिला अस्पताल में भी उन्होंने बल दिया है कि वहाँ भी करीब करीब सभी स्पेशलिस्ट रहें। और जिला अस्पताल में भी एक और बात हुई है कि हमारे मेडिकल कॉलेज से भी जो हमारा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का पीजी है, उसकी भी 3 महीने की पोस्टिंग रोटेशन वाइज लग रही है। तो वहाँ भी निश्चित रूप से कुछ पेशेंट्स वहाँ भी रुकेंगे और वहाँ भी काम होगा, जो यहाँ पहले वो पेशेंट्स आते थे। तो हमारे जो पीजी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वहाँ जाते हैं, तो ये व्यवस्था बनी है कि हमारे पीजीज की रोटेशन वाइज वहाँ ड्यूटी लगे और इसके बाद वो वहीं पे काम करके और पेशेंट्स वहीं पे ठीक हो जाएं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी एक डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, ये नया डिपार्टमेंट है माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा पर, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8 से 10 दिन के अंदर। तो डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में सभी विशेषज्ञ के लोग रहेंगे, मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक्स, ये सभी विशेषज्ञ के लोग रहेंगे, और उनका एक अलग से विभाग होगा, अलग से विभाग अध्यक्ष होगा। तो अब चीजें ज्यादा अच्छे से मैनेज होंगी कैजुअल्टी लेवल पे, क्योंकि कई बार मास कैजुअल्टी आ जाती है या कई बार ज्यादा मात्रा में पेशेंट आ जाते हैं रेफर होके। तो ये हमारा एक जो नया डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन बनने जा रहा है, और इसका पूरा अलग से इनका विभाग अध्यक्ष होगा, इनका पूरा अलग से सेटअप होगा, अलग से इनका इनका पूरा मैन पावर आएंगे उस हिसाब से।
तो इससे बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। और कुछ कुछ हमारे नए डिपार्टमेंट भी चालू हो रहे हैं, जैसे आपका ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन भी हम जल्दी चालू करेंगे आगे, और हमारे फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन स्पोर्ट्स इंजरी वाले ये भी डिपार्टमेंट नए चालू होंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है इस चीज़ का, और जल्द ही व्यवस्थाएं और मैन पावर के साथ हम शुरू करने वाले हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि पेशेंट्स की ज़्यादातर ये शिकायतें रहती हैं कि जब वो दिखाने आते हैं डॉक्टर्स कंटिन्यू नहीं मिल पाते, और यहीं कैंपस में ही देखिए जहां डॉक्टर्स कॉलोनी है वहां डॉक्टर्स के यहाँ बड़ी भीड़ रहती है, ये शिकायतें लगातार मिलती रही। इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत है, आपको लगता है इसके लिए कुछ बड़ी पहल होनी चाहिए? क्योंकि पहले जब इसके पहले कलेक्टर थे इलैयाराजा टी, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि ताकि वहां ज्यादा समय ना देकर यहां जो जिम्मेदारी है, जो एजुकेशन के बाद एक तरह से कहा जाए कि शपथ ली है, वो करना जरूरी है। जी जी, नहीं इसके लिए भी माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया है, और स्पष्ट रूप से इसमें शासन के निर्देश हैं कि अपने चिकित्सालय में शासकीय सेवा है अगर कोई डॉक्टर, तो वो जो अपने हॉस्पिटल टाइमिंग्स हैं वो हॉस्पिटल में ही रहें और हॉस्पिटल में देखें, और बाद में जो उनके टाइमिंग्स हैं घर के, तो वो घर में मरीज देखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसका पालन किया जा रहा है, और इसी दिशा में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी चालू हो गई है सभी डॉक्टर्स की, तो उससे ये मॉनिटरिंग की जा रही है, हमारे संचालनालय स्तर में भी की जा रही है और कॉलेज लेवल में भी की जा रही है, और इसका डाटा तो बल्कि दिल्ली तक जाता है कि किस डॉक्टर ने कौन डॉक्टर कब आया और कब गया, दोनों आने की और जाने की मॉनिटरिंग हो रही है। और इसमें शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो जिस डॉक्टर ने प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट किया है, तो वो जो शासकीय सेवा के टाइमिंग्स हैं वो अपना पूरा समय जो 8:30 से 4:30 तक है, तो वो अपना समय पूरा अस्पताल में लगाएं। कुल मिलाकर ये बड़े परिवर्तन जरूरी हैं, क्योंकि जिस तरह जो शिकायतें थी, आपने कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस और यहाँ से लेकर दिल्ली तक चीजें भेजी जाएंगी, उससे रुक जाएंगे। आपने अभी बीच में जिक्र किया कि हॉस्पिटल मैनेजर, ये सब चीजें भी हम अपॉइंट कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, इसका रिक्वायरमेंट कैसे एकदम से इनिशियल समझ में आया कि हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए भी, अब चूंकि डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन और किसी भी मैनेजमेंट पार्ट को देखने के लिए एक अलग रिक्वायरमेंट रहती है। एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे कई एजेंसियां कार्यरत हैं, जैसे भारत सरकार की हाइट्स कार्यरत है, उसको सफाई और सुरक्षा का ठेका मिला हुआ, तो ये सफाई और सुरक्षा का जो ठेका मिला हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए या इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए संचालनालय स्तर से ही सभी मेडिकल कॉलेज में 2-3, 2-3-4 जहाँ जैसे बेड्स हैं उनकी स्थापना की गई है, और बराबर उनके थ्रू उनके कार्य निर्धारित हैं उनके प्रोटोकॉल में, और उनके थ्रू जो ये सफाई सुरक्षा का मॉनिटरिंग है वो की जा रही है बराबर। तो निश्चित रूप से सफाई और सुरक्षा सुधरने पर लोगों का विश्वास और लोगों का आना जाना बढ़ेगा सरकारी अस्पतालों में, और हम बेहतर सुविधा दे पाएंगे। तो हॉस्पिटल मैनेजर्स के आने से हम अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाएंगे, और जो ये जो दिल्ली लेवल से जो कंपनियां काम कर रही हैं इसमें सफाई और सुरक्षा जो ठेके में दिए गए हैं मेडिकल कॉलेजेस के से संबद्ध अस्पताल, तो निश्चित रूप से उसमें इजाफा होगा। एक आखिरी सवाल सर, चूंकि अब स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है, जी, आप लोग ज्यादा अलर्ट हो गए क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो हम लोग को एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, और संचालन स्तर से भी है कि पहले आप अपना रीवा, एक चुनौती है कि हम पहले रीवा को बेहतर से बेहतर बनाएं, और निश्चित रूप से इससे प्रेरणा लेके बाकी मेडिकल कॉलेजेस में भी ये प्रेरणा हमारी जाएगी, हमारे वाइब्स जाएंगी, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि पहले हम अपना घर सुधारें, इसके बाद फिर और मेडिकल कॉलेजेस की चिंता तो करना ही है, तो निश्चित रूप से दबाव है। कुल मिलाकर साफ है कि जब स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है, और अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी कोई विभाग का मंत्री है और जिस जिले से हैं और जिस विभाग के हैं, पहले वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, तब हम किसी और जिले की बात करेंगे, तब हम किसी और जिले पर कोई इस तरह का वो कर सकते हैं कि भाई हमने अपने यहाँ की व्यवस्थाएं सुधार ली हैं। सीधे तौर पर डॉक्टर राहुल मिश्रा ने कहा कि ये जिम्मेदारी है और हमारी कोशिश है कि हम रीवा को स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर बनाएं, क्योंकि यहीं से फिर मैसेज पूरे स्टेट में जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद।